everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. And I'm here to show you your monthly tarot scope. Yes, we'll tell you how your month, i.e. June 2024, will be for you. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली पारी है हमारी 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ उसमें बदलाव आने वाले हैं, कहाँ उथल पुथल मचेगी, करियर ठीक रहेगा, जॉब ठीक रहेगी, पैसा आएगा कि जाएगा, हेल्थ में भी जो है सुधार होगा या फिर वही स्ट्रगल जो है हेल्थ को लेकर के भी बनी रहेगी, लव लाइफ में भी क्या किसी नए की एंट्री होने वाली है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं एक्वेरियस के आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। कार्ड्स आपके लिए आए हैं द सन, जर्नी, लव योरसेल्फ फर्स्ट, ट्रस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी। टैरो की बात करूं तो एट ऑफ कॉइंस, द टावर, सेवन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। तो आपके लिए जो महीना है ये बड़े सारे बदलाव लेकर के आ रहा है, बहुत मिला जुला रहने वाला है टू बी ट्रू, लेकिन धीरे धीरे करके सारे एस्पेक्ट्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। पैसे की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, प्यार के बारे में बात करेंगे, करियर और जॉब को लेकर भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पैसे को लेकर के कि भाई जून के महीने में पैसा कैसा रहने वाला है, मनी फ्लो कैसा रहेगा। कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हालांकि देखो आपके पास ना पीछे जो वेल्थ है वो बहुत अच्छी है, तो इसीलिए इस महीने आपको पैसे को लेकर के बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो काम करके पहले 7 रुपये आ जाते थे, आप तो 7 काम करोगे तब भी 7 रुपये नहीं आएंगे, तो वैसी स्ट्रगल दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो पैसे को लेकर के स्ट्रगल बना रहेगा, लेकिन आपको किसी तरीके का डैमेज मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुरानी वेल्थ काफ़ी है। तो इस महीने अगर महीने के फ्लो की प्रोस्पैरिटी या अबंडेंस आपको नहीं भी मिलेगा तो आप अपने पुराने पैसे से आपकी लाइफ के अंदर कोई कमी नहीं आने वाली, आपके सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने वाली, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। बात कर लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ वॉन्स एंड सेवन ऑफ कॉइंस। हेल्थ को लेकर के मेंटल परेशानियां इस महीने बढ़ सकती हैं काफ़ी लोगों के केस के अंदर, स्पेसिफिकली माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, इस तरीके की बीमारी जो है आपको घेर सकती हैं। और ये ओवरथिंकिंग भी जो है इस महीने आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। फैमिली में ही किसी की मैरिज हो सकती है क्लोज वन में, उस मैरिज को अटेंड करने के लिए जून के महीने में आपको एक हफ्ते का ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखाई देता है। बात करते हैं जॉब, करियर ये सब कैसा रहेगा। कार्ड्स हैं एट ऑफ कॉइंस एंड द टावर। तो देखिए जॉब के अंदर कॉन्टिन्यूस मेहनत आपको करते रहनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ लेके के केस में सडन होता है ना कि कोई बात हुई और जॉब आपको बॉस ने अचानक से फायर कर दिया, यहाँ पे आप जॉब छोड़ नहीं रहे होता है, हमने छोड़ी है, नोटिस पीरियड दिया है, फिर नई जॉब ज्वाइन करते हैं, बट नहीं, यहाँ पर सडन फायर जो है जॉब से किया जा सकता है आपको। अगर आप लोगों का अपना कोई काम है, अपना कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आग लगने की संभावना भी जून के महीने में पूरी रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको काम को लेकर के, जॉब वाले एरिया में पैसे में भी स्ट्रगल है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस महीने डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। इसीलिए शायद आपके लिए कार्ड यहाँ पर आ रखा है गाइडेंस में ट्रैंक्विलिटी का, यू नो, मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एन्जॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। तो मेरा तो कहना यह है कि जून के महीने में जब जहाँ इतनी डिस्टर्बेंस दिखाई दे, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और हॉलीडेज पे आप बाहर चले जाइए। कई बार जब आप अपना देश बदलते हैं तो मैंने बताया ना, देश बदलने से आपका काल और परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि टाइम अगर ख़राब चल रहा हो और अगर आप फॉरेन ट्रैवल करके आ जाते हो तो ये आपके टाइम को बेटर कर देता है। तो एक चक्कर में बोलूँगी लिटरली आप लगाइए अगर पॉसिबिलिटी उसकी दिखती है तो। बात करते हैं लव लाइफ की, कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड ट्रस्ट का। यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम ना अपनी जो हैप्पीनेस है ना वो दूसरे के पॉकेट में ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो आपने बंद करना है। आप सबसे पहले तो खुद से प्यार करो, यू आर सफिशिएंट, है ना, आप में कोई कमी नहीं है कि कोई आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल करने बंद कर दो। जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद से वैल्यू करोगे, तो जो भी डिजर्विंग इंसान होगा वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। जर्नी का कार्ड भी है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रैवल करके आ जाइए, आपका जो ट्रैवल है इस महीने वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। ओवरऑल एनर्जी में सन का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं क्रक्स ये निकलता है कि भाई कितनी भी मुसीबत हो, अंत जो है वो भला ही होने वाला है, लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपके केस में होगा। काफ़ी लोग अगर जो सोशल फिगर हैं या कुछ है तो मॉनिटरी स्ट्रगल ज़रूर हो सकती है, लेकिन फेम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका इस महीने। ठीक है जी, बात करते हैं कलर्स की, तो ऑरेंज कलर एंड रेड कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7 एंड नंबर 8 बोथ आर लकी फॉर यू।
आपके लिए कार्ड आया है ग्रो योर ओन अर्थी डिलाइट्स, यानी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं तो अपने घर में रोज का या लिली का प्लांट लगाइए। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स में भी बढ़ोतरी होगी और अच्छी चीजें उसके अंदर होने शुरू हो जाएंगी। तो ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग एक्वा, एंड अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही है, अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।